मॉर्निंग जय मंगनी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं पहली बार इससे शूट कर रही हूँ, मेरे को नहीं आता है चलाने, कैसे चलाते हैं ये, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ऐसे ऐसे जो कि मैं कर रही हूँ, और अपने आप भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ में ले रही हूँ, दैट्स वाई। सो ये वाह, कितना मज़ा आ रहा है इससे शूट करने में, इसलिए आप मतलब जो भी इससे शूट करते हैं उनको इतना मज़ा आता है, लेकिन मेरे से संभल रहा नहीं है। तो आज का जो व्लॉग है, एक्चुअली मेरा थोड़े दिन बाद में शूट है, मतलब कि एक एल्बम सॉन्ग है उसका शूट है। तो आप लोगों को पता है हमेशा मेरे दो लुक होते हैं, या तो मतलब मेंस वियर में और दूसरा पोशाक जो राजस्थानी पोशाक होती है उसमें। तो इस बार जो सामने वाली पार्टी है उन्होंने सोचा है कि इस बार मेरे को, आप लोगों ने धड़क मूवी देखी है, उसमें जो फीमेल कास्ट में जो लड़की जो वियर करती है ना, मतलब वो लॉन्ग कुर्तीज, तो उन्होंने ऐसा सोचा है कि इस बार मैं वो वियर करूँ। हालांकि हम लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन वो लोग मेरे हेयर्स के साथ में कुछ क्या करने वाले, हेयर्स के साथ में ट्रायल हाँ, मतलब वो ऐसा वो हेयर्स के साथ में कुछ ट्रायल करने वाले हैं। तो आज जो सामने वाले जो मेरे क्लाइंट है उनके साथ में उनके जो मेकअप आर्टिस्ट है वो लोग आएंगे यहाँ पे अपनी शॉप पे और मेरे हेयर्स के साथ में ट्रायल करेंगे। तो ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दूसरा इसलिए क्योंकि मैं इस चीज़ को ब्लॉग बना रही हूँ। मम्मी को दिखाऊँ, मम्मी देखो मैं इससे शूट कर रही हूँ, आपको करना है मम्मी देखो, इससे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वाह ऊपर भी करूँ, देखो अरे नीचे हो गया, सॉरी ये ऊपर हो गया, देखो ये भैया देखो मेरे को आगे ना इससे शूट करना, हम मैं कर सकती हूँ। लक्ष्मी जी काम पार्सल पैक कर रहा है, अक्कू तो अंदर छुपी गई, वो भाग गई अंदर। तो ये मेरे को इससे शूट करना आ गया, येलो कौन बोल रहा था कि मेरे को इससे शूट करना नहीं आता, मेरे को आगे इससे शूट करना। और आप ये मानो कि मैंने साइड से नहीं कटवा रखे, मतलब मैं कटवा लेती हूँ, तो अभी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और प्रॉब्लम हो जाता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से साइड से कटवाती हूँ हमेशा, अभी मैंने नहीं दे रखा। सो अब देखो अब कर रहे हैं स्टार्ट, कैसा क्या रहता है क्या नहीं रहता, और इसमें आप लोगों को भी बताना है जो लास्ट लुक रहेगा ना उनकी वजह से। पहले तो वो क्या लगाते थे अपन, हाँ यहाँ पर स्विच लग गया, मैं काम ऐसा करना कि दिन यहाँ पे आने आते रहो। हाँ फिर मेरे एक दिन शूट और आ रहा है, अगर ये बढ़िया हो गया तो मैं उसमें आपको भी लूँगी, और बाल वापस वैसे ही करने। ऑनलाइन का मंगा सकते हैं, आप पर मैसेज कर दीजिए। ऐसा ही है बड़ा, अगर जयपुर में कर रहे तो थोड़ा जयपुर का थोड़ा तो सही लगेगा। मेरे स्कूल में जब स्कूल जाती थी तब मैं ऐसे बाल करके जाती थी, मतलब इस सच में ऐसे बाल करके जाती थी, मेरे को वापस मेरे स्कूल की याद आ गई। और दे दूंगा मैं कल जब वो करूंगा ना स्प्रे वगैरह, इसको और अगर एक एक यहाँ से तुम अंदर से निकाल लो तो ये सारी चीजें मैच हो जाएंगी, तुम्हारी मर्ज हो जाएंगी।
कल अगर नहीं कल कोशिश कर रहे हैं क्या निकालना है मतलब एक सिंगल पीस पीस वाले जो हेयर है ना अच्छा 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 अंदर से अगर आप एक निकाल लो तो यहाँ पे भी बाउंस मिल जाएगा तो ठीक है वो ब्लैक पे पता है ये आपके जैसा कोई और क्लाइंट मिला तो उन्हें दिखा तो देंगे तो कल का हो सकता है कल का परसों का शूट हो तो उस अकॉर्डिंग बाकी मेरे को बेस्ट लगा ये और आप बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है तो और मैं जब स्कूल में थी ना मतलब 12th तक स्कूल में थी ना तो सच में मैं ऐसे ही बात मतलब इस तरीके से तो नहीं आगे का जो लुक है ना वो इस तरीके का रखती थी है ना मम्मी ऐसे रखती थी मम्मी से पूछो कैसा लगा कैसा लगा मम्मी सही सही बताओ मन से सच में देखा जी आपको सो अभी जो आप लोगों ने लुक देखा और अभी मेरे बाल वैसे ही क्योंकि उन्होंने लगा कि नॉर्मल वॉश करने के बाद में सही सही हो जाएंगे माय गॉड मेरी शक्ल कैसी लग रही है कोई बात नहीं हाँ भी ठीक है तो अभी आपने जो लुक देखा ये मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है